डॉक्टर आगरी महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से था कि उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, उसके दर को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने जवाब में लिखा कि हाँ, दर बढ़ता जा रहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो या बच्चों का उत्पीड़न हो, उसमें आज उत्तर प्रदेश टॉप के नंबर पे है, पूरे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे। मैं और हमारे सारे सभी सदस्य जब जब सदन में विभिन्न विभागों के सवाल उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो बार बार यही कहा जाता है कि अरे आपने क्या किया। अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकारें रही तो अगर इस तरीके की वारदातें हुई तो उस पे लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, लोगों ने धरना किया और उसकी अनुमति मिली, लोकतंत्र जीवित रहा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि आप स्वयं इस बात पे हामी भर रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है। कल विधानसभा में जब एक प्रश्न एक महिला जनप्रतिनिधि के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी से किया गया, तो उनके द्वारा नंगा जैसा शब्द का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि आपकी महिलाओं की तरफ क्या सोच है और आपकी सरकार कितनी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर। अध्यक्ष जी, हम समाजवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, आपके झूठ को तेज आवाज में बोलने पे हम डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से सीधा है कि 2017 से लेकर के 2023 तक कुल ऐसे कितने यौन शोषण के महिलाओं के लिए और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत कुल कितने केसेस दर्ज किए गए और उन लोगों को सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं के तहत मदद की गई। क्या कोई काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए उनकी मदद के लिए? क्या उन्हें बेहतर शिक्षा और चिकित्सा प्रोवाइड की गई? क्या उसकी सरकार ने जिम्मेदारी ली? क्या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फिर एडवांस हायर स्टडीज के माध्यम से उन्हें मदद की गई कि वो अपना भूतकाल जो इतना सदमे वाला है उसे भूल करके एक बेहतर भविष्य की तरफ सोच सके। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि अभी हाल फिलहाल में बलिया की न्यूज सभी सदस्यगण यहां हैं वो जानते हैं कि आज बॉर्डर्स कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और साथ ही साथ आपको शायद अपने अधिकारियों पे भरोसा भी नहीं है कि एसपी बलिया होने के बावजूद भी बाहर से एक टीम भेजी गई और वहां पर जांच कराई गई। इन बातों के मद्देनजर में ये पूछना चाहती हूं कि ये अपने आप में दर्शाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आए दिन बढ़ती चली जा रही है, तो 2017 से लेकर के 2027 के बीच में टोटल महिलाओं और बच्चों को लेकर के इतने कितने केस हैं, मुकदमे हैं लापता गुमशुदगी के जो दर्ज हुए और उनमें से कितने लोग आज भी गुमशुदा हैं आपके 8 साल के टेन्योर के सरकार में जिनको आप नहीं ढूंढ पाए हैं? कृपया इसका जवाब दें। धन्यवाद।